हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा जो है बिहार सरकार में लेखपाल की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी है। हर एक पंचायत के लिए आपको एक वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल इसमें जो है 6,570 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है इसके लिए 1,643 वैकेंसी है। इसमें भी जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1,068 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 575 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 657 वैकेंसी है, जिसमें 230 आपकी फीमेल की है और 427 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है। एससी कैटेगरी में 1,313 वैकेंसी है, जिसमें से 853 आपकी मेल कैंडिडेट की और 460 वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एसटी कैटेगरी की 131 वैकेंसी है, जिसमें से मेल के लिए 85 और फीमेल के लिए जो है टोटल 46 वैकेंसी है। अब बात करते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी की टोटल 1,643 वैकेंसी है, जिसमें से 1,068 वैकेंसी आपकी मेल कैंडिडेट की और 575 वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद बीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1,183 वैकेंसी है, जिसमें से 769 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए और 413 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 4,270 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,300 वैकेंसी है। अब बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको बीकॉम अगर पास है तो अप्लाई कर सकते या फिर एम कॉम है या फिर सीए इंटर पास है तो वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीए इंटर जो लोग हैं उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब वरीयता दी जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें फॉर्म की बात करें तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन 12 अप्रैल 2024 को आएगा और 15 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे और 14 मई 2024 इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। आपको इससे पहले फॉर्म फिल करना होगा। हालांकि अभी डिटेल सिलेबस के बारे में दिया नहीं गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये कंफर्म है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बीकॉम या फिर एमकॉम या सीए पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है इनमें जो है कम से कम 20% बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो डिटेल में जानकारी आपको 12 अप्रैल को मिलेगी। आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।